परसेस सेलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे सबसे पहले हम अपना तीन पर्स को डिनोट कर लेते हैं ये हमारे पास पर्स वन ये हमारे पास पर्स टू और ये हमारे पास पर्स थ्री वन टू एंड थ्री अब अगर हम देखेंगे कि पहले पर्स में हमारे पास कितने कॉइन है वन सिल्वर है एंड थ्री कॉपर कॉइन है दूसरे वाले में हमारे पास दो सिल्वर हैं और फोर कॉपर कॉइन्स हैं। तीसरे वाले में हमारे पास तीन सिल्वर है और एक कॉपर कॉइन है तो हमें क्या करना है कि एक कॉइन सिलेक्ट करना है तीनों पर्सन में से एक रैंडमली और वो देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सिल्वर है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पर्स वन बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पर्स टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग पर्स थ्री बराबर होगी तीनों वन बाय थ्री के अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सिल्वर कॉइन फ्रॉम फर्स्ट पर्स वन क्या होगी ये होगी हमारे पास वन अपॉइट फोर एक सिल्वर कॉइन है टोटल कॉइन कितने हमारे पास चार वैसी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग हमारे पास Two upon six. इस ये होगी हमारे पास तो इसको हम क्या लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग सिल्वर कॉइन फ्रॉम पर्स थ्री ये क्या होगी हमारे पास थ्री अपॉन टोटल कॉइन कितने हमारे पास फोर अब हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ सिल्वर कॉइन हमें एक सिल्वर कॉइन सिलेक्ट करना है तो अब हम सबसे पहले पहले पर्स से सिलेक्ट करा तो ये क्या होगा हमारे पास P1 वन इंटू में क्या P इन टू एस बाय वन वैसे ही ये हो जाएगा P2 टू इंटू में क्या P एस बाय टू एंड P3 थ्री इंटू में क्या पी एस बाय तो अब P1 वन की क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी वन बाय थ्री ये क्या हो जाएगा 1 by 3 into में 1 by 4. प्लस क्या हो जाएगा 1 by 3 into में क्या 1 by 3. और क्या और प्लस वन बाई थ्री इंटू में क्या थ्री बाय फोर ये हो जाएगा हमारे पास अब हमारे पास कॉमन क्या आ रहा वन बाय थ्री तो हम वन बाय थ्री को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन थ्री प्लस थ्री अपॉन फोर तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा वन बाय थ्री